दीदी खाली करना, दीदी दीदी खाली करना, हाँ पकड़ो थोड़ा नीचे रखो ना था। यस रोल। ओके सर, गांधी जयंती का मौका है और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बीच क्लीन किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे सर? साल में एक ही दिन ऐसा होना चाहिए, साल में सभी दिन ऐसे होने चाहिए जहाँ पे बीच क्लीन हो और हमारे देश में स्वच्छता रहे? आज महात्मा गांधी के अवसर पर हमारे सीआरपीएफ की तरफ से हमारे 300 जवान यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और यहाँ पर आम पब्लिक के लोग भी हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स भी हैं, सब लोग आज यहाँ पर बीच क्लीनिंग के आए हुए हैं। करीब 2 घंटे में हमने बीच काफ़ी की सफाई की और ये एक सफाई का अभियान, एक कोई वन टाइम अफेयर नहीं होना चाहिए, इट शुड बी कंटिन्यूस प्रोसेस। लगातार हम लोग जहाँ पर भी हैं अपने आसपास की सराउंडिंग्स को स्वच्छ रखें, साफ़ सुथरा रखें। जो केंद्र सरकार के जो मुहिम है, स्वच्छता अभियान चल रहा है पूरे देश में, उसमें हम लोग सहभागी बने, अपने आसपास की सराउंडिंग्स को स्वच्छ रखें। इसी के साथ साथ जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है वो भी बैन हो गया है और हम लोग कोशिश करें कि धीरे धीरे करके उसको अपने जीवन शैली से हटाएं। सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स के बहुत घातक परिणाम हो रहे हैं पर्यावरण पर और जो आने वाले दिनों में हम लोग के लिए बहुत ही गंभीर परिणाम लेकर के आएंगे। तो हम सभी जागरूक बने, सिंगल टाइम सिंगल यूज प्लास्टिक का बैन करें, आसपास के वातावरण को शुद्ध रखें, स्वच्छ रखें, क्योंकि ये प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है। आज इस बीच पे हम सभी लोग आकर के अभियान में भाग ले रहे हैं, लेकिन ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस होना चाहिए और हर व्यक्ति अपने कुछ अपने जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। ओके सर, इसके अलावा यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जवान भी पूरी मेहनत से जुटे हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? इससे जो आम आदमी है उसको प्रेरणा मिलेगी कहीं ना कहीं? बिल्कुल, हम लोग की जिम्मेदारी है इस देश की सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी सीआरपीएफ पर है और आंतरिक सुरक्षा के साथ साथ हमें अपने वातावरण को भी सुरक्षित साफ सुथरा रखना है। उसमें भी हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, हम लोग डिफॉरेस्टेशन भी करते हैं, पर्यावरण के प्रति हमारी जिम्मेदारी है उसका हमें एहसास है और हम ये भी चाहते हैं कि आम नागरिक को भी जागरूक बने और इसके प्रति अपनी जिम्मेदारी का वो लोग एहसास करें। थैंक यू सर, धन्यवाद। मैडम का भी बैठ ले। मैं यही कहना चाहूँगी कि एक ही दिन सफाई नहीं होती है, हमको रोज, जैसे हम अपने घर को साफ रखते हैं, एक बार साफ सफाई हो गई तो हमको बाहर वाले लोगों की जरूरत नहीं पड़ेगी। बीएमसी इज डूइंग सच अ गुड जॉब ओनली बिकॉज हमारे बैड हैबिट्स के कारण जू बीच और वर्सोवा बीच खराब हो गए। अब हम लोग तैयारी कर रहे हैं कि उनको पूरा साफ करके बीएमसी को सौंप दे और हम लोग आके इधर स्वस्थ वातावरण में सांस लें। मैं 75 ईयर्स की होके जू बीच जाके 2 घंटे सफाई करके आई हूँ और अभी 2 घंटे यहाँ रहूंगी एंड आई एम प्राउड ऑफ इट एंड प्राउड ऑफ सीआरपीएफ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। गांधी जयंती के मौके पर लिया गया है और थोड़ा सा बताइए इस इनिशिएटिव के बारे में हमारी जनता को। देखिए, आज गांधी जयंती है और आज गांधी जी की जन्म वर्ष के हिसाब से 150वीं जन्म वर्ष घाट है और आप देखिए इस समय मेरे पास दाएं बाएं दो दो गांधी जी हैं, क्योंकि 100 के बाद गांधी जी और चालू जाने चाहिए। तो याद दिला रहे हैं कि गांधी जी ने अपना क्या संकल्प सोचा था, मेरा भारत और स्वच्छ अपना, ये उनका था एक सपना। तो आज हमारी गांधी जयंती पर हम बच्चों से कह रहे हैं और बच्चे वो उम्र है जिसमें अगर उनकी सोच वो बदल दें तो आगे उनके लाइफ में उनका वो एक व्यवहार में कन्वर्ट जाता है। हम बच्चों से कह रहे हैं आज अपने लिए बस एक ही सोच को लेके चलिए, प्लास्टिक को छोड़ने का लेंगे संकल्प और ढूंढेंगे इसका दूसरा अच्छा विकल्प। सर, कुछ करेंगे ऐसा कि हर कोई करने जाएगा हमारे जैसा, इसलिए बच्चों से कह रहे शर्म छोड़िए, प्लास्टिक छोड़िए, मत करो अपने देश को मेला और जब भी घर से बाहर निकलो साथ में लेके चलो कपड़े या जूट का थैला। और ये अगर बच्चों की सोच में प्रयास आ गया, पहले कोई चीज प्रयास होती है फिर वो अभ्यास में प्रैक्टिस में आता है और धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते हैबिट में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस बच्चों की छोटी सी जो कोमल उम्र है जिसमें इनको हम जिस रूप में चाहे ढाल सकते हैं, इन्होंने सोच रखी है और अब इनसे हम यही बोला है कि हमको इस काम को आज से अपना सबसे इंपॉर्टेंट अहम कार्य लेकर चलना चाहिए, हमारे देश में योगदान होना चाहिए। क्योंकि 15 अगस्त को हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी एक संकल्प किया था कि फर्स्ट यूज प्लास्टिक, इसको सबसे पहले जिसकी थिकनेस 50 माइक्रोन से कम होती है और सबसे ज्यादा हमारी प्रैक्टिकल डेली लाइफ में उसका बहुत ज्यादा एक तरह से अंदर घर कर चुका है, हर बच्चे से कहा है कि हमको सबसे पहले इसको छोड़ने का प्रयास करना चाहिए ताकि 2022 तक ये फर्स्ट यूज प्लास्टिक हमारे देश से साफ हो जाए। तो बच्चों को यही हम एक सोच दे रहे हैं, इसीलिए आज हमारा एलन मुंबई से लगभग 2500 की यहाँ पे गैदरिंग जो आपको दिख रहा है, हरा हरा दिख रहा है, हरा भरा,
और हरे का मतलब ग्रीन सिग्नल, और ग्रीन का मतलब नो हडल, नो बैरियर, बस इनके लिए कोई बैरियर नहीं है। अब ये आगे बढ़ चुके हैं कि नेहरू जी भी कह के जा चुके हैं, आगे बढ़ो रे जवानों तुम्हें देश की कसम, और देश की कसम भारत माता की कसम। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू सर, थैंक यू सर।